हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले एनएलसी इंडिया के बारे में। ये स्टॉक में से मैं निकल चुका हूँ, काफी समय पहले निकला हूँ, लेकिन आज ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि टाइम की कमी की वजह से। और ओवरऑल ये वीक या ये एक दो वीक काफी प्रॉफिट बुकिंग में भी रहा है, क्योंकि मैंने प्राइस लगा के रखे थे, ट्रिगर जैसे हो रहे थे तो जीटीटी ऑर्डर लगाए थे और सारे ऑर्डर ट्रिगर होने के बाद प्रॉफिट बुकिंग हो रही थी। और उसका अपडेट मैं सबसे पहले टेलीग्राम चैनल पे दे रहा था, तो जो भी लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़े थे उनको अपडेट तुरंत मिल रहा था। और वीडियोस बनाने के लिए टाइम लगता है, तो टाइम की कमी होने की वजह से मैं वीडियोस प्रॉपरली रेगुलर नहीं बना पा रहा था। तो फिलहाल यहाँ पर अभी भी पॉसिबल नहीं था, लेकिन फिर भी मैं ये कुछ वीडियोस डाल देता हूँ एनएलसी इंडिया, जिसमें से मैं प्रॉफिट लिया है। और वो स्टॉक मेरे प्रॉफिट बुकिंग के बाद भी काफी 7-8% और भी बढ़ चुका है, तो वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो एंड तक देखो, और वीडियो अच्छा लगेगा तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये एनएलसी इंडिया का मेरे वेबसाइट पे मैंने इन्फॉर्मेशन डाला हुआ है कि मैं जब इसमें से प्रॉफिट बुकिंग करके निकला, तो उसके कुछ दिन बाद मैंने यहाँ पर मेरे वेबसाइट पे अपडेट किया है। तो जो रेगुलर चैनल से जुड़े हैं उनको ये अपडेट पहले मिल गया होगा, या वेबसाइट से भी जुड़े हैं उनको ये अपडेट पहले ही मिल चुका होना चाहिए। क्योंकि देखो, हमेशा रेगुलरली जो भी अपडेट होता है सबसे पहले टेलीग्राम चैनल पे आता है, उसके बाद वेबसाइट पे भी आ जाता है, कभी कभी वेबसाइट पे पहले अपडेट आ जाता है। तो आपको हमेशा जुड़े रहना चाहिए जो भी, अगर आपके पास ये सब शेयर है तो, ठीक है। और यहाँ पर ये स्टॉक में से देखो, पूरी जर्नी भी मैंने बताई हुई है। तो ये स्टॉक में सबसे पहले वीडियो कब डाला था, ये 52 वीक हाई का इसके बारे में बताया हुआ था। और जब जब मेरे पास स्टॉक होते, जो भी स्टॉक होते हैं यहाँ पर देख सकते हो, तो उसका पहले वीडियो आया, फिर उसके बाद ये करंट प्रॉफिट कितना चल रहा है, 125 के ऊपर प्रॉफिट जब चल रहा था, 125% के ऊपर, तब ये वीडियो बनाया था। और मेरा टारगेट 109 का था, यहाँ पर आप देख सकते हो, और वो टारगेट अचीव हो चुका है। तो टारगेट अचीव होने के बाद ये स्टॉक में से मैं तो मैं निकल चुका हूँ। और मेरा एवरेज जो प्राइस था, बाइंग प्राइस यहाँ पर आप देख सकते हो 48 का था। तो वो प्राइस भी मैंने पहले जो वीडियो रहता है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, तो वीडियोस के अंदर मैंने शेयर किया होता है, ठीक है। तो जो भी लोग होंगे और जो पहले से चैनल से जुड़े हैं और रेगुलरली अपडेट्स लेते हैं, देखते हैं चैनल और वीडियोस देखते हैं, उनको ये चीज़ें सबसे पहले पता चलेगी। और जो शेयर लेके सो जाते हैं उनके लिए मैं जगाने का काम नहीं कर सकता। रेगुलरली अपडेट लेते रहना चाहिए आपके शेयर के बदले में जो भी है, क्योंकि सडनली कुछ बैड न्यूज़ आ जाती है, कभी गुड न्यूज़ आ जाती है, आपको निकलना है या प्रॉफिट लेना है, तो ये सारी चीज़ों के बारे में आपको अपडेट होना चाहिए, ठीक है। तो फिलहाल ये एनएलसी इंडिया में से तो मैं निकल चुका हूँ, और इसके बारे में काफ़ी बार मैंने बताया हुआ है, ठीक है। तो मतलब जब जब मैं अलग अलग शेयर के बारे में बात करता हूँ, ठीक है, तो तभी भी मैंने मेरे पोर्टफोलियो को दिखाया है कि ये पोर्टफोलियो में ये भी शेयर है, वो भी शेयर है, सारे शेयर्स के बारे में बताया हुआ होता है, कौन से लॉन्ग टर्म का है, कौन सा शॉर्ट टर्म का है, सभी चीज़ें मैंने मेरे चैनल पे हमेशा बताई हुई है। कोई भी वीडियो चलता रहेगा उसके अंदर मैंने हमेशा कोई अलग भी शेयर के बारे में बताया है कि ये स्टॉक मेरे पास लॉन्ग टर्म के लिए है, शॉर्ट टर्म के लिए, जब जब पोर्टफोलियो शो करता हो तो, ठीक है। तो जो रेगुलरली चैनल को फॉलो कर रहे हैं उनको ये अपडेट मिल चुका होगा। तो फिलहाल ये स्टॉक अभी कैसा है, और मेरे बेचने के बाद भी ये प्रॉफिट और भी बढ़ते गया है, तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ। मैं तो 109, देखो मैंने इसको ऑलरेडी प्रॉफिट बुकिंग का टाइम चल रहा है, तो मैं कम्प्लीटली जो भी स्टॉक है मैं उनको प्रॉफिट लेते जा रहा हूँ और बेचते जा रहा हूँ। तो ये स्टॉक में से मैं 109 के भाव पे निकल गया, ठीक है। अभी यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि देखो, ये जो स्टॉक है अभी के लिए कैसा है, इसका प्राइस क्या है, और एनएलसी इंडिया यहाँ पर कम्प्लीटली इन्फॉर्मेशन मैंने दिया है कि ये कंपनी करती क्या है, माइनिंग सेक्टर के अंदर है, पावर जनरेशन है, माइनिंग सेक्टर है, ठीक है। और यहाँ पर इसका वेबसाइट का भी मैंने लिंक दिया है, तो यहाँ पर हिंदी में भी आप जानकारी ले सकते हैं कि ये कंपनी क्या करती है। तो यहाँ पर ये कम्प्लीटली इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको दी गई है, तो वो भी चीज़ आप देख सकते हैं। साथ में यहाँ पर मैं बता देता हूँ, इसका वेबसाइट भी है, वेबसाइट पे भी आप चले जा सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो वेबसाइट पर वेबसाइट का भी लिंक दिया है, और यहाँ पर मैंने ये शेयर के बारे में जो अभी लेटेस्ट न्यूज़ चल रहा है या जो भी प्राइस है, यहाँ पर ये भी चीज़ मैंने
यहाँ पर लिंक दिया हुआ है, तो वो भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर इसका वेबसाइट पे एक बार विजिट करा देखो। ये सारे काम लिग्नाइट माइनिंग है, यहाँ पर ये पावर जनरेशन है, और यहाँ पर ये थर्मल पावर स्टेशन, और ये सोलार पावर है, और ये विंड पावर है, और ये यहाँ पर सोलार पावर का और कोल माइनिंग। तो ये सारे काम देखो कंपनी का बिजनेस है, ये मेन काम करती है। और ये कंपनी देखो गवर्नमेंट के अंडर में आती है, यहाँ पर लिखा है आप देख सकते हो, गवर्नमेंट इंडिया के अंदर आती है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है तो मोस्ट ऑफ गवर्नमेंट कंपनी ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ फिलहाल ये कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी कैसा है। सारी चीज़ें ऑलरेडी मैंने जब जब वीडियो डाला है इसके रिलेटेड, तो वो चीज़ें बताई है, लेकिन प्रॉफिट में चेंजेस आते हैं, सेल्स में चेंजेस आते हैं, तो फिलहाल अभी देखेंगे और परफॉर्मेंस देखेंगे शेयर का। तो यहाँ पर देख लो कि शेयर का परफॉर्मेंस कैसा है। तो यहाँ पर एक महीने के परफॉर्मेंस देखो काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है, 19% का, तो ज़बरदस्त रिटर्न ये स्टॉक ने एक महीने के अंदर दिया है। 6 महीने के देखो 45%, इतने रिटर्न देखो आपको ऐसे कोई भी स्टॉक में मिलते नहीं या किसी भी इन्वेस्टमेंट में नहीं मिलता है। YTD देखो, YTD में भी यानी 6 महीने के अंदर ही है, 6-7 महीने के अंदर 35% है। तो जिसने भी सही भाव पे खरीदा है उसको अच्छा प्रॉफिट हुआ है। 1 साल में देखो 73% है, तो ज़बरदस्त रिटर्न ये स्टॉक ने दिए हुए है NLC इंडिया ने। और यहाँ पर देख सकते हो 5 साल के रिटर्न थोड़े 1 साल से भी कम नज़र आ रहे हैं। देखो 5 साल से जो लेके बैठे हैं उनको इतने खास रिटर्न नहीं है, लेकिन 1 साल से जो भी लेके बैठा है उसको काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए है। ठीक है, और मैक्स की बात करेंगे तो मैक्स में 2000% के रिटर्न दिए है। और मैक्स रिटर्न यानी कब से ये स्टॉक है, तो यहाँ पर देख सकते हो 2000 का टाइम था, 2000 के टाइम से ये स्टॉक ने 2000% रिटर्न दिए है। ठीक है, तो सन 2000 की बात कर रहा हूँ मैं, तो तब से ये स्टॉक ने काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए हुए हैं। ठीक है, तो मैक्स के रिटर्न 2000% है या इससे भी ज़्यादा अगर मिल सकते हैं, क्योंकि ये शेयर अभी गिरा नहीं होता। तो यहाँ पर देखो एक हाई मारा था ये स्टॉक ने, एक टाइम पर ये 100-150 के भी ऊपर था ये स्टॉक, यहाँ पर ये प्राइस देख सकते हो, तो लेकिन ये गिरा है। 235 का यहाँ पर भाव नज़र आ रहा है, 235 या 240 जैसे मैं यहाँ पर ये लेके जा रहा हूँ, स्क्रॉल कर रहा हूँ तो आप देख सकते हो, तो 230 के ऊपर भी ये स्टॉक था और वहाँ से ये स्टॉक काफ़ी गिरा है। तो गिरने के बाद अभी ये स्टॉक में मुझे अपॉर्चुनिटी नज़र आई, इसलिए मैंने लिया है। ठीक है, तो पी रेशियो अच्छा है ये स्टॉक का देख सकते हो, और ये स्टॉक के बारे में जो भी न्यूज़ है यहाँ पर, क्वार्टर के रिजल्ट किस तरीके के ये भी यहाँ पर आए हुए हैं। ठीक है, तो इस वजह से ये स्टॉक काफ़ी बड़ा है, और वो पुरानी न्यूज़ है, और यहाँ पर लेटेस्ट न्यूज़ भी देखनी है, तो यहाँ पर लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जैसे यहाँ पर ये फेब 2023 का है, तो जो भी यहाँ पर चीज़ें है आपको देखने मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हम देखेंगे कि NLC इंडिया जो है इसके क्वार्टरली देखो, क्वार्टरली परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा कर रहा है ये, लगातार ऊपर की तरफ देखने मिल रहा है। और एनुअली भी देखा जाए तो ये भी सेल्स यहाँ पर ऊपर की तरफ ही है 2019 से। ठीक है, तो सेल्स अच्छी कर रही है कंपनी और प्रॉफिट भी अच्छा ही है। और यहाँ पर हमको देखना है तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर ये चीज़ अच्छी ही नज़र आएगी आपको। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर खाली ये जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है थोड़ा बहुत कम हुआ है, बाकी सारी चीज़ें पॉजिटिव नज़र आ रही है ये स्टॉक के अंदर। तो फिलहाल ये स्टॉक तो अच्छा है और ये पोर्टफोलियो से मैंने निकाल दिया है, क्योंकि देखो लॉन्ग टर्म का मेरा जो नज़रिया था, लॉन्ग टर्म में जितने प्रतिशत के प्रॉफिट चाहिए थे, तो लगभग मैंने 127% के प्रॉफिट ले लिए है, और अब और भी रखता तो 135% के प्रॉफिट आराम से हो जाते। लेकिन मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे स्टॉक रहते हैं जिनको मुझे धीरे 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 निकालना होता है, फिर नए स्टॉक ऐड करने होते, तो फिलहाल जिसमें लॉन्ग टर्म के टारगेट रखे थे वो लॉन्ग टर्म के टारगेट अचीव कर लेता हूँ, जिसमें शॉर्ट टर्म के रखे वो शॉर्ट टर्म के टारगेट अचीव कर लेता हूँ। तो जो भी बताया है वो सारे चीज़ें यहाँ पर मेरे चैनल पे बता चुका हूँ, और जो भी मेरे स्टॉक है देखो लॉन्ग टर्म से या शॉर्ट टर्म से जो भी मैंने प्रॉफिट लिए मेरी जर्नीस रही है। तो ये जो आपको नज़र आ रहे ये जो स्टॉक है, ये लिस्ट जो नज़र आ रही है, ये लिस्ट आप देखोगे तो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा ये स्टॉक है, और इनमें बाइंग सेलिंग सारी चीज़ें बताई हुई
चाहिए कि मैंने इन्वेस्ट कब किया, सोल्ड कितने पे किया, प्रॉफिट कितना परसेंट का बुक किया। तो यहाँ पर एक देख सकते हो सारे, देखो ज़्यादा से ज़्यादा भी लिया है, नहीं 323% के प्रॉफिट है, 361% के प्रॉफिट है, स्टॉक के नाम है, सभी चीज़ें आप यहाँ पर देखते जा सकते हो। और इनके वीडियोज़ भी आपको प्ले करके मिल जाएंगे, ये जैसे ही आप ये नाम पर क्लिक करोगे तो जैसे ही किसी भी स्टॉक के नाम पर क्लिक करोगे वो स्टॉक का वीडियो आपको मिल जाएगा। जिनके वीडियोज़ नहीं है वो ब्लैक में है क्योंकि उसका स्किप हो गया। जैसे अभी ये यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्टॉक में प्रॉफिट होने की वजह से जैसे मैंने ये NLC का भी लेट डाल रहा हूँ वीडियो, वैसे बहुत सारे रह जाते हैं और भी दो तीन वीडियोस डालने बाकी है जिनमें से मैं अब भी रिसेंटली प्रॉफिट लेके निकला हूँ। तो कभी कभी टाइम नहीं मिलता, कभी कभी ज़्यादा से ज़्यादा एक ही दिन में 5-5, 6-6 स्टॉक में से भी मैं एक दिन में प्रॉफिट लेके निकलता था। तो इस वजह से क्या होता है कि सभी वीडियोस एक साथ आपको डालने नहीं होता या कभी कभी कोई स्किप हो जाता है। तो ये चीज़ की वजह से यहाँ पर बहुत सारे स्टॉक रह गए, उनके वीडियोज़ भी मैं डालने वाला हूँ। बाइंग प्राइस, सेलिंग प्राइस सारे रिकॉर्ड्स मेरे पास ऑलरेडी होते हैं, एक्सेल में होते हैं, मेंटेन किया होता है, तो वही रिकॉर्ड मेरे पोर्टफोलियो का जो भी है वो चीज़ मैं यहाँ पर वेबसाइट पे भी रखना चाहता हूँ और साथ में यही रिकॉर्ड मैं अपने वेबसाइट और चैनल पे भी रखना चाहता हूँ। ठीक है, तो वो आपको इन्फॉर्मेशन देखने मिलेगी, सीखने मिलेगी, सीखने पे फोकस करो। फ्री का कंटेंट है, फ्री का नॉलेज है, तो फ्री का नॉलेज फ्री के हिसाब से मैं दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर कोई चार्जेबल फ्यूचर में भी नहीं है, ना अभी है। ठीक है, तो मेरा जो जर्नी है वही मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, चाहे कोई कुछ भी बोले, इतना सारी चीज़ें मैं करते रहता हूँ। तो देखो, सीखो और कमाते रहो। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक किया करो, शेयर करो, और दोस्तों के साथ शेयर करने के बाद ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब भी किया करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।